नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के इस शो में जानने की कोशिश करेंगे यूके का जो स्टडी वीजा का ट्रेंड है उसमें क्या अपडेट्स हैं। सो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बल। रंजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी। रंजीत जी, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे चेंजेस आए यूके को लेकर। एक नया स्ट्रेन आया था जिसने स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि इंटरव्यू आ रही है, इंटरव्यू की एक परसेंटेज थी। तो हाल की घड़ी अगर एडमिशंस को लेके बात करें तो किस तरीके के रिजल्ट्स हैं? राइट नाउ दीपक जी, अगर बात करें, नो डाउट यूके में लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी की प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो हुआ था, चेंजेस जो आए थे। लेकिन अभी जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस भी यूके का चल रहा है। और जो रिजल्ट की जब बात करते हैं, क्योंकि बच्चे काफी कई बार कॉल करते हैं अलग अलग लाइव शो में मुझे कि रिजल्ट जो आ नहीं रहे या टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या था, नो डाउट थोड़ा रिजल्ट में टाइम बच्चों को लगा। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो चुका है, रिजल्ट भी टाइमली आने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, कुछ केसेस में जहाँ इंटरव्यू आएगी जो कि 20-30% मैक्स है, हमारे केसेस पे हार्डली 10% लोगों को इंटरव्यू आई, मीन टू से 100 में से 10 बच्चों को। लेकिन मार्केट रेशियो की बात करते हैं तो इंटरव्यू की रेशियो 20-25% के आस पे वेरी करती है, इसी के आसपास रहती है और ये हमेशा के लिए रहनी है। तो लेकिन इसके बाद भी, इंटरव्यू के बाद भी जो है 50% से ज्यादा बच्चे अभी जिनकी तैयारी अच्छी है, वेरी ऑब्वियस है, वो क्लियर कर लेंगे। सो रेशियो जो है, वीजा रेशियो जो यूके की चल रही है 95% चल रही है टोटल एप्लीकेशन से जब कंपैरिजन करते हैं। तो अभी भी यूके हाईएस्ट वीजा रेशियो के साथ सबसे टॉप पे है। और एडमिशन का प्रोसेस करें तो एडमिशन का प्रोसेस दीपक जी बिल्कुल फास्ट ट्रैक चल रहा है, उसमें कोई भी जो है डिले नहीं हो रहा। ऑफर में लेके थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम कैरी करना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम के मोड पे चल रही थी, इसकी वजह से थोड़ी सी चीजें डिले हुई थी। लेकिन अभी के लिए चीजें जो है अब नॉर्मल की तरफ हो चुकी है। सो आगे चल के चीजें और नॉर्मल हो जाएगी, आगे जो प्रोसेस है एम्बेसी का भी और यूनिवर्सिटी का भी वो नॉर्मल वे में चलता ही रहेगा जी। सो यूके के लिए अगर बात करें कि प्रोसेस आपने जैसे बताया आप स्ट्रीमलाइन हो चुका है, तेजी से चल रही हैं चीजें, तो कौन से इनटेक के लिए स्टूडेंट्स जो भी वेट कर रहे थे वो फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं? और थोड़ा सा ब्रीफली मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को एडमिशन का प्रोसेस भी समझाएं। बिल्कुल जी, अगर एडमिशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो आगे चल के अब आपको मई ही ऑप्शन मिल रहे हैं। मई भी, लेकिन दीपक जी अब क्लोजिंग की तरफ है क्योंकि अब मार्च आने वाला है, उसके बाद अप्रैल तक कैश भी आना है, फाइल भी लगनी, मई में तो क्लासेस स्टार्ट है। तो मई मैं कहूंगा कि अगले 10-15 दिन तक आपका मई के लिए टाइम बचा हुआ है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस वीजा ऑफिस के थ्रू करवा सकते हैं। मई के बाद सितंबर का भी एडमिशन प्रोसेस पैरेलल मोड पे चलना शुरू हो गया। रीजन क्या है, काफी यूनिवर्सिटी ऐसी जिनके पास मई इंटेक नहीं होता, डायरेक्ट सितंबर ही होता है। वो यूनिवर्सिटीज ने अपना सितंबर टेक ओपन कर दिया है, उनका प्रोसेस भी चल चुका है। और अगर एडमिशन की बात करें तो वही रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन में 55% है, मास्टर के लिए जाओगे, स्पाउस को लेके जा सकते हैं विद और विदाउट आईएलटीएस दोनों ऑप्शंस है। प्लस टू में 60% है, इंग्लिश में भी 70% सुपर है, तो विदाउट आईएलटीएस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 बैंड है, डुलिंगो के साथ भी एडमिशन आपका पॉसिबल है। और यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन के टाइम ये सोचते हैं कि विदाउट आईएलटीएस वाले शहर पंजाब हरियाणा वालों को एडमिशन नहीं मिलती, तो यहाँ पे मैं कहूंगा एडमिशन मिलती है लेकिन फुल फीस की कंडीशन यूनिवर्सिटीज लगाती है। ऐसा नहीं है कि विदाउट आईएलटीएस एडमिशन मिलनी कम होगी है, लेकिन ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एंड पे कई बार इंटरव्यू कर सकती है, जिसकी तैयारी जो है वीजा ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। हमारे बच्चों का अभी तक किसी का यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एटलीस्ट कभी जो है वो नेगेटिव में नहीं गया, हमेशा पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि हम बच्चों की प्रेपरेशन करवाते हैं। जब हम बच्चे को ओके करते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बच्चे को थॉरली चेक करते हैं कि बच्चे का जो है इंग्लिश का लेवल ठीक है, वो बोल सकता है, चाहे वो विदाउट आईएलटीएस कैटेगरी में है। सो हमारी वीजा ऑफिस की टीम 10 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और हमारे जो स्पेशल ऑफर हम लेके आए स्टूडेंट के लिए, नो प्रोसेसिंग फीस, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपने कंपनी को पे नहीं करनी। सो अगर आप यूके का एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, हमारे अमृतसर, लुधियाना, जलंधर ऑफिस अवेलेबल है। कॉल कर सकते हैं आप 9041090410, इस नंबर पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस के थ्रू अपना वीजा ले सकते हैं, विद स्पाउस भी यूके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जी। सो दोस्तों, जितनी जनरलाइज चीजें बताई जा सकती थी, जो ट्रेंड्स बताए जा सकते थे, वो रंजीत जी ने आपको बताए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती हैं, जो सुजेशन आपको आपका प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स देख के बताया जा सकता है। सो बेहतर रहेगा एक कस्टमाइज्ड एडवाइस के लिए आप एक बार रंजीत जी इनकी टीम को कॉल करें, ताकि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको बताया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार।